हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। और एक आवश्यक सूचना, मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट का कोई भी मेरा सलाह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आगे चलते हैं। मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1991 में निर्मित मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कपास और पॉलिएस्टर यार्न के पट्टे, यानी कि पॉलिएस्टर सूत के पट्टे व्यापार और विनिर्माण में लगी हुई है। नियमित उत्पाद 100% कॉटन यार्न, यानी कि 100% कॉटन सूत का इसका प्रोडक्शन है। और कंपनी की मदसौर में 16,992 कपास मिश्रित यार्न स्पिंडल और 432 रोटर्स की स्थापित क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है। तो चलते हैं दोस्तों इसके मुख्य डाटा पर, जो कि इस प्रकार है। मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 13 करोड़ का है, करंट प्राइस 7.97 रुपया, 52 वीक का हाई लो 15.40 रुपया और 5.03 रुपया, स्टॉक पी 22.4, बुक वैल्यू माइनस में है 2.50 रुपया, डिविडेंड कोई पे नहीं कर रही है, ROC ROE कुछ भी नहीं, फेस वैल्यू 10 रुपया, और इंटरप्राइजेज वैल्यू 12.9 करोड़, यानी कि 12,90,00,000। इसका चार्ट देखते हैं तो कुछ समय कंसोलिडेट मोड में चलता है और फिर डाउन होता है, तो ये अभी हो सकता है डाउन में ही जाए, लेकिन इतना ही पर इस शेयर को जज नहीं करना चाहिए। इसमें प्रॉन्स एक है, डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 238 टू 60.1 डेज, यानी कि 238 दिन से बढ़ करके 60.1 दिन हो गया है, और कॉन्स में कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो टोटल 103 कंपनी है जो कि इसका पीयर्स कंपनी है, जैसे अडानी इंटरप्राइजेज, मैनकाइंड फर्मा, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, MMTC, रेड टैप, PDS। पीयर्स कंपनी का मतलब है कि ये सारी कंपनी के लेवल में ये कंपनी का होना मार्केट कैप के अनुसार, अन्यथा उससे नीचे लेवल में। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का 3,30,00,000 का सेल्स किया, एक्सपेंस 3,14,00,000 का, 16,00,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,00,000, टैक्स कुछ भी पेड नहीं किया, नेट प्रॉफिट 1,00,000 और EPS 1 पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 12,37,00,000 का सेल्स किया, एक्सपेंस 11,38,00,000 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99,00,000 का, अदर इनकम माइनस में 58,00,000 का, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21,00,000, टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 14,00,000 का और EPS 9 पैसा। बैलेंस शीट अगर देखते हैं इसके पास रिजर्व माइनस में है 20,38,00,000 का, जबकि शेयर कैपिटल 16,30,00,000 का, अदर लाइबिलिटीज 9,75,00,000 का, फिक्सेड एसेट 1,23,00,000 का, टोटल एसेट
पिछले साल के अपेक्षा घट करके 5.67 यानी कि 5,67,00,000 का बच गया है, जबकि पिछले साल का जैसा कि आपको दिख रहा होगा मार्च 2022 का 7,92,00,000 का एसेट है जो कि था। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो प्रमोटर के पास में 50.91% है और DIH के पास में 0.25%, पब्लिक के पास में 48.85%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि कितने इसके शेयर होल्डर्स है, यानी कि कितने आदमी के पास में इसका शेयर है, तो 17,043 आदमी के पास में इसका शेयर है अभी तक सितंबर 2022 के रिगार्डिंग। इसमें न्यूज पुराना है 19 सितंबर का। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।